देश में इन दिनों बुलडोजर काफी चर्चा में है। हाल ही में दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर कार्रवाई का मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। इसी बीच अब राजस्थान के अलवर में मंदिरों पर बुलडोजर चलाए जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि यहां 300 साल पुराने मंदिरों को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ढहा दिया है। मंदिर तोड़े जाने के दौरान कटर से मूर्तियां काटी गईं। राजस्थान में मंदिर तोड़े जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इसको लेकर बीजेपी ने कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार को घेरा है। दरअसल अलवर जिले के राजगढ़ में मास्टर प्लान में अतिक्रमण हटाने के दौरान प्रशासन ने 300 साल पुराने मंदिर को गिरा दिया। मंदिर की छत और खंभों को बिल्डोजर से तोड़ दिया गया। इस दौरान मूर्तियों को ड्रिल मशीन और कटर से काटा गया। इस मामले में बीजेपी नेशनल आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने भी ट्वीट कर राजस्थान सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाना ही कांग्रेस का सेक्युलरिज्म है। इसके बाद एक और ट्वीट में मालवीय ने कहा कि 18 अप्रैल को राजस्थान के राजगढ़ कस्बे में बिना नोटिस प्रशासन ने 85 हिंदुओं के पक्के मकानों और दुकानों पर बुलडोजर चला दिया। बीजेपी ने मंदिर तोड़े जाने के दौरान शिवलिंग को क्षति पहुंचाने का आरोप लगाया है। वहीं हिंदूवादी संगठनों ने सरकार पर साजिश के तहत कार्रवाई किए जाने का आरोप लगाया है। दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि राजगढ़ नगरीय बोर्ड के चेयरमैन बीजेपी के हैं। उन्हीं ने बोर्ड में प्रस्ताव लाकर सड़क चौड़ीकरण के लिए मंदिरों और घरों को गिराया है।